In this topic, we are going to learn something very interesting, and that is how to build a forum on WordPress. आपको ये जान के शायद थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे कि मेरा जो पहला एक स्टार्टअप या एक वेंचर था ऑनलाइन, दैट वाज एक्चुअली अ फोरम, और ये था ऑलमोस्ट 2005 में. तो आज से कोई आप कह सकते हैं 12-13 साल पहले आई यूज वर्डप्रेस टू क्रिएट अ फोरम एंड अ वेबसाइट थ्रू विच पीपल यूज टू शेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. सो मेरा पहला एक जो स्टार्टअप या एक वेंचर था वो ये था. और इसी तरह आई वॉन्ट टू टेल यू इन दिस टॉपिक हाउ यू कैन यूज फॉरम्स इफेक्टिवली, बट मोर इम्पॉर्टेंटली फॉरम आप वर्डप्रेस पे कैसे बना सकते हैं. सबसे पहला तो क्वेश्चन शायद आपके जो जहन में आएगा वो ये है कि फॉरम आखिर होता क्या है. व्हाट इज अ फॉरम? मैन इज अ सोशल एनिमल. पीपल लाइक टू टॉक. पीपल लाइक योर कंज्यूमर्स, लाइक योर जो आपके यूजर्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, दे लाइक टू टॉक टू पीपल ऑन द इंटरनेट. और इसीलिए देर आर सम फॉरम्स विच आर वेरी पॉपुलर. फॉरम्स लाइक रेडिट, फॉरम्स लाइक डिग. सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फॉरम्स की जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करते हैं. एंड थैंक्स टू वर्डप्रेस, थैंक्स टू अ प्लगइन दैट वी विल डिस्कस इन अ लॉट ऑफ डिटेल, यू कैन क्रिएट योर ओन फॉरम वेरी इजीली, बड़े आराम से, यूजिंग अ सिंपल प्लगइन ऑन वर्डप्रेस. तो चूंकि बात हो रही थी कि फॉरम होता क्या है, पीपल लाइक टू टॉक, एंड इसीलिए एक आज से जब काफ़ी सालों पहले, आज से ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले जब इंटरनेट स्टार्ट हुआ तो लोगों ने फॉरम्स क्रिएट करना शुरू किए. सो पीपल कुड टॉक टू ईच अदर, सो पीपल कुड शेयर आइडियाज. और इसकी एक बड़ी सिंपल एग्जांपल है फेसबुक. आप और मैं सारे यूज़ करते हैं फेसबुक. आप लोगों की प्रोफाइल्स है, आप रोज़ जाके लाइक करते हैं, आप रोज़ जाके कॉमेंट करते हैं. सो इसी तरह आज से काफ़ी साल पहले, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स बैक, फॉरम्स यूज टू बी द सोशल नेटवर्क्स. फॉरम्स पे लोग आके बातें किया करते थे, फॉरम्स पे आके लोग अपने आइडिया शेयर किया करते थे, फॉरम्स पे लोग आके एक दूसरे से इंटरेक्ट किया करते थे. दैट्स वाई फॉरम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज बुलेटिन बोर्ड्स या बोर्ड्स, जिसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं. सो क्वेश्चन ये आता है कि आपको फॉरम की क्यों ज़रूरत पड़ सकती है. वाई वुड यू नीड टू क्रिएट अ फॉरम ऑन योर वर्डप्रेस वेबसाइट? ये तो आप पे डिपेंड करता है. ये आपको देखना है कि क्यों आपने आखिर एक फॉरम का इंस्टॉल करना है अपनी वेबसाइट पे. बट एट द एंड ऑफ द डे योर फोकस शुड बी योर यूजर्स. आप जो भी कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, दैट शुड क्रिएट वैल्यू फॉर द यूजर्स हु आर कमिंग टू योर वेबसाइट. कॉन्टेंट इज किंग, बट यूजर्स आर ऑल्सो किंग. और ये जो सारा कॉन्टेंट आप बना रहे हैं, दिस इज एक्चुअली फॉर योर यूजर्स, दिस इज एक्चुअली फॉर द पीपल हु आर कमिंग टू योर वेबसाइट. तो आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट आखिर क्या है. What are the topics that your website focuses on? चलें कुछ examples लेते हैं. Examples like, let's say you're creating a travel website. भाई आपकी let's say एक travel website है और आप चाहते हैं कि वहाँ पे लोग आके एक दूसरे से ideas share कर सकें. आप चाहते हैं कि लोग आके एक दूसरे से नए trips की details share कर सकें. लोग नए नए spots के बारे में, points of interest के बारे में share कर सकें. इसको शेयर करने के लिए आपको एक फॉरम की फंक्शनैलिटी चाहिए होगी. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फॉरम एंड अ ब्लॉग? भाई ब्लॉग पे कंटेंट इज़ द सेंटरपीस और नीचे फिर उसके कमेंट्स होते हैं. बट ऑन अ फॉरम द कन्वर्सेशंस इटसेल्फ आर द सेंटरपीस. तो ये तो एक एग्जांपल होगी फॉरम की. ट्रैवल फॉरम इज समथिंग दैट यू कैन क्रिएट विद वर्डप्रेस. बल्कि मैं आपको चैलेंज करूंगा कि यूजिंग दिस DigiSkills.pk फॉरम यू लर्न and you create your own travel website. But let's take an example of what other websites can be created. Aap ek restaurant review website khol sakte hain. Pakistan mein logon ko khane peene ka bada shauk hai aur khaas taur pe aap mein se wo log jo Lahore se belong karte hain, unko to kuch shayad zyada hi shauk hai, because Lahore is known as the city of food. So kya hum ek aisa forum create kar sakte hain jis
फोरम पे लोग आके एक दूसरे से नई नई रेसिपीज नए नए रेस्टोरेंट्स के रिव्यू शेयर कर सकते हैं. सो दैट इज समथिंग दैट फोरम कैन बी यूज्ड फॉर. इसी तरह देर आर अदर एग्जांपल्स लाइक टेक्नोलॉजी वेबसाइट्स विच आर यूजिंग फोरम सो पीपल कैन शेयर एक दूसरे से अपने इशूज, पीपल कैन शेयर एक दूसरे से अपने आइडियाज एंड पीपल कैन शेयर फिक्सेस टू अ पर्टिकुलर टेक प्रॉब्लम. सो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल वेयर अ फोरम कैन बी यूज्ड. तो आपसे मैं कहूँगा आप देखें कि फोरम कैसे यूज कर सकते हैं, फोरम का बेनिफिट क्या है, हाउ कैन फोरम एक्चुअली एड वैल्यू टू योर वेबसाइट एंड बाय द शेयर डिमांड ऑफ एडिंग वैल्यू टू योर वेबसाइट कैसे एक फोरम आपके यूजर्स के लिए एक वैल्यू क्रिएट कर सकता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लग इन थ्रू विच यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ फोरम, अ वर्डप्रेस फोरम? द नेम ऑफ द प्लग इन इज BBPress. So BBPress, which actually stands for Bulletin Board Press, is an official WordPress plugin through which you can create your own forum. Baki forum create karna hai ki nahi karna, wo main aapko already bata chuka hu. It might be a good idea, it might bring more traffic, create more value to your user. But let's take a quick look at what BBPress is. Bhai BBPress aakhir kya hai? BBPress allows you to create a forum on your own WordPress website. और साथ ही साथ ये आपको conversations start करने की एक option देता है और कुछ और ऐसे features हैं जिसको हम अभी live जाके test करेंगे कि BBPress आपको क्या क्या allow करता है. So let's go live and let's test out BBPress. So हम start करेंगे एक query से और वो query है Google पे जिसको हम लिखेंगे create a forum विद वर्डप्रेस. आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि क्यों मैं आपको बार बार गूगल पे सर्च कराना सिखा रहा हूँ जबकि आपको ऑलरेडी आता है. उसकी रीज़न ये है कि काफ़ी अरसे में और काफ़ी एक मैंने चीज़ देखी है पाकिस्तान में कि यंग लोग सही तरह से गूगल पे क्वेरीज नहीं लिखते, विच इज़ वाई दे आर नॉट एबल टू फाइंड द राइट आंसर्स. तो आप सही क्वेरीज लिखेंगे तो आपको सही आंसर्स मिलेंगे. तो अब देखिए मैंने क्रिएट अ फॉरम विद वर्डप्रेस लिखा है तो आई हैव अ बंच ऑफ रिजल्ट्स. And now I can actually either go to one of the links. So ये मुझे एक WP beginner का link मिला है, मैं इस link को click करूँगा और when I go into it तो ये मुझे plugins का बता रहा है कि मैं forum कैसे create कर सकता हूँ. So instead of this I'll just go to Google directly once again and I'll search for BBPress. BBPress मैंने search किया, I'll go on the BBPress website. और BBPress की वेबसाइट पे नाउ यू सी दैट इट सेज फॉरम्स मेड द वर्डप्रेस वे. BBPress इज अ फॉरम सॉफ्टवेयर विद अ ट्विस्ट फ्रॉम द क्रिएटर्स ऑफ वर्डप्रेस. सो द ग्रेट थिंग अबाउट BBPress इज के इट इज क्रिएटेड बाय द क्रिएटर्स ऑफ वर्डप्रेस. सो दिस इज द परफेक्ट फॉरम प्लगइन जो आप यूज कर सकते हैं. और BBPress को अगर आपने देखना है, इफ यू वॉन्ट टू गेट लाइक अ लाइव प्रीव्यू ऑफ वट BBPress एक्चुअली लुक्स लाइक, सो इट लुक्स प्रीटी मच लाइक दिस. आपके पास एक फॉरम होगा जिस पे आप एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं और नीचे उस पे लोग आके रिस्पॉन्ड कर सकते हैं. तो BBPress की वेबसाइट पे ही आप देख सकते हैं उन्होंने BBPress इंस्टॉल किया हुआ है और इसकी बेतहाशा और फीचर्स हैं. यहाँ से आप इट्स सिंपल टू सेटअप, बड़े आसान से वन क्लिक से आप इसको सेटअप कर सकते हैं. इट्स फुली इंटीग्रेटेड टू योर वर्डप्रेस डैशबोर्ड एडमिन. तो ऑटोमेटिकली जो यूजर्स आपके आके रजिस्टर करेंगे वर्डप्रेस की साइट पर, they will already have an account on BBPress as well. So it's very integrated with WordPress. It has a single installation and it has the capability of giving you multi-site forums, which means that you can divide your site into different sections. So ye uski kuch features hain. Ye aap isko simple tarike se download bhi kar sakte hain agar aap karna chahein. Aur saath hi saath aap iske kuch external plugins hain BBPress ke jinko aap detail mein yahan pe देख सकते हैं. जिस तरह WP यूज़र अवाटार है, बेसिक अवाटार्स हैं, स्टाइल पैक्स हैं, ये भी कुछ प्लगइन्स हैं BBPress के जो आप देख सकते हैं. फिर कुछ थीम्स हैं, BBPress हैज़ इट्स ओन थीम्स एज वेल. तो ये थीम्स हैं कुछ जिनको आप देख सकते हैं. इसकी एक पूरी डॉक्यूमेंटेशन है. अगर आपको याद हो हमने वर्डप्रेस कोडेक्स की बात की थी तो BBPress का एक अपना कोडेक्स का पूरा सेक्शन है जिसमें आप पूरा इसका मैनुअल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव करता है. देन यू कैन सी द सपोर्ट सेक्शन.
सपोर्ट सेक्शन ऑब्वियसली इज पावर्ड बाय बीबी प्रेस इटसेल्फ। तो आपने सिंपल इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है कि आपने अपनी वेबसाइट पे जाना है और आपने प्लगइन्स के सेक्शन में यू आर गोइंग टू सर्च फॉर बीबी प्रेस। और मैं आपको ये जल्दी से एक इसका रिव्यू दिखा भी देता हूँ। तो हमारी साइट जो है उस पर हम लॉग इन करेंगे एंड आई विल शो यू कि बीबी प्रेस कैसा एग्जैक्टली लगता है। तो वी आर गोइंग टू क्विकली लॉग इन, और लॉग इन करते साथ ही आई एम गोइंग टू गो टू द प्लगइन सेक्शन और वहां पे आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एड न्यू एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन बीबी प्रेस। सो ये देखें बीबी प्रेस अब आ गया। आई कैन जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ एंड दैट्स हाउ इजी इट इज टू इंस्टॉल बीबी प्रेस। सो इसको प्लीज देखें, यूज करें, कैसे आप फॉरम ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में और इसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट में बड़े इजीली एक फॉरम इंटीग्रेट कर सकते हैं। थैंक यू।